हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ अबाउट लिप एंड चीक टिंट्स। तो कुछ लिप एंड चीक टिंट्स जो हैं, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, उनका रिव्यू करने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ कुछ नए ब्रांड के लिप एंड चीक टिंट्स मैंने मंगवाए हैं, जस्ट टू ट्राई इट आउट। एंड ऑफ द वीडियो आई डेफिनेटली गोइंग टू रेकमेंड यू कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है उसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक पिछले 7-8 मंथ से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि 6 मंथ तो मुझे यहाँ आए हुए हो गया है, 1 साल मान के चलो आप, तब 1 साल होने आ रहा है। मार्च या अप्रैल में मैंने मंगवाया था। दिस इज़ द प्रोडक्ट और जिसको मैं काफ़ी सारा यूज़ भी कर चुकी हूँ। लुक एट दिस, मैं इसको अच्छा खासा अमाउंट में यूज़ कर चुकी हूँ। सो आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छा है, बहुत आराम से ब्लेंड होता है, आपकी लिप्स पे एक बहुत अच्छा कलर प्रोवाइड करता है एंड बहुत नेचुरल लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ इस प्रोडक्ट का जो ड्रॉबैक है वो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल भी मॉइस्चराइजिंग नहीं है, आपको अलग से लिप बाम लगाना पड़ता है, दैट्स इट। उसके अलावा इसका कोई और ड्रॉबैक नहीं है। एक रेंज है तो आप काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो कलर है, दिस इज़ कॉफी न्यूट, अमेजिंग है, मेरे स्किन टोन पर बहुत अच्छा है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर मैं बाकी प्रोडक्ट से कंपेयर करूं। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस एगते लिप एंड चीक टिंट। तो इसको भी मुझे यूज़ करते हुए आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से ये मेरे पास है। एंड आई थिंक मैंने इसका रिव्यू भी अपने व्लॉग में दिया था कि आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। आता है ये अराउंड 700 आफ्टर डिस्काउंट मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो हर चीज़ ही देखी जाएगी, जो भी ब्रांडिंग वगैरह था। लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। जबकि दिस कम्स लिटिल, मतलब ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। एंड लुक एट दिस, विंटर आए हैं, विंटर में तो ये प्रोडक्ट निकलना इज़ लाइक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें इतना बार वो करना पड़ता है तब जा करके प्रोडक्ट निकलता है। तो ना तो ये मॉइस्चराइज करता है, ना ही ये पिगमेंटेशन देता है। तो एंड चीक टिंट और बाम है, ये बिल्कुल भी बाम की तरह तो वर्क ही नहीं करता है एंड टिंट की तरह भी ये काम नहीं करता है। मतलब ये बिल्कुल ही ऑफ नो यूज़ है। टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट। मैंने बीच में लगाने की कोशिश करी थी, लगाती थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना महंगा आया है तो यूज़ करी रही थी, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। नाउ कमिंग टू माई थर्ड प्रोडक्ट इज दिस बेला वीटा ऑर्गेनिक न्यू एज आयुर्वेदा, टिंटी नाम है इसका। सो आई रियली लाइक दिस, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव था, ये बहुत अफोर्डेबल था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, छोटे से ब्रश के साथ आता है मिनी से, आई रियली रियली लाइक इट। एकदम मक्खन जो नहीं होता है, बटर, बटर की तरह ये स्लाइड करता है, मतलब बहुत आराम से इसको आप लगा सकते हैं। इसका जो इनफैक्ट टिंट है वो भी बहुत अच्छा है, लिप्स पे लगाया हुआ है और जो मैंने चीक्स पे लगाया हुआ है वो यही लगाया है, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कलर पे ऑफ भी इसका बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइज करता है लिप्स को, थोड़ा बटरी टाइप का है, बहुत मॉइस्चराइज नहीं करता है लिप बाम की तरह, बट एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, ड्राई नहीं करता है आपके लिप्स को। सो आई रियली लाइक इट, प्राइस भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, हाईली हाईली रिकमेंडेड। ओके, नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस अर्थ रिदम का लिप चीक टिंट। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो इसका कलर, मतलब जो कलर है वो बिल्कुल भी सही चूज़ नहीं किया है, बिकॉज मेरे जो लिप्स पे, मेरे फेस पे ये कलर मुझे वॉश आउट कर रहा था। सो बहुत पसंद नहीं आया मैं इस टाइप के कलर की, बेबी पिंक टाइप का जो कलर है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ विटिश स्किन टोन, मेरा स्किन टोन जो है वो विटिश है, तो मेरे स्किन टोन पे ये नहीं अच्छा लग रहा था। आई थिंक ये जो कलर है ये बहुत फेयर जो स्किन टोन होता है उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सो इफ़ यू आर समवन जिसको ऐसे नेचुरल पिंक, जो बेबी पिंक होता है उस तरीके का, बबल पिंक जिसको बोलते हैं, वैसे कलर्स पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन, बेला वीटा के बाद कोई मुझे प्रोडक्ट पसंद आया है तो वो ये आया है। सो दिस इज फॉरेस्ट एसेंशियल्स लिप बाम। तो इसका जो नाम है वो है, एक मिनट, अनार रस। सो इसका जो नाम है वो है अनार रस एंड अमेजिंग, मतलब इतना सही इसका कलर पे ऑफ है एंड इट लुक्स सो बटरी ऑन योर लिप्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक ही स्वॉच में आपका जो कलर पे ऑफ है वो आ जाता है इसमें। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, मतलब इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको। आप डेफिनेटली लिप, वैसे तो ये लिप स्टेन ही है, बट आप इसको चीक्स पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आईलिड पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे, इस
दिस बेनेटिंट बेनिफिट का गोगो टिंट है ये, तो ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, अमेजन से नहीं लिया है, मैं चेक करती हूँ अमेजन पे अवेलेबल होगा तो इसको भी लिंक कर दूंगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था, अब तब तक मार्केट में इतने टिंट नहीं आते थे, तब यही टिंट चलता था, ये मैंने तब का लिया हुआ है। तो अब अगर आप बात करो प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है ये, और इतना कोई तोप काम भी नहीं करता है, उसके टक्कर का है बेला वीटा ही, मतलब ये तो कहाँ गया, दिस बेला वीटा इज अमेजिंग प्रोडक्ट। मतलब सारे प्रोडक्ट को अगर आप पूछो कोई एक प्रोडक्ट मैं चूज करूँ कि जो अफोर्डेबल भी हो, जिसका कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा हो, जो थोड़ा मॉइस्चराइज भी करता हो एंड स्टे भी करता हो आपके लिप्स पे, तो स्टे तो ये क्योंकि सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं एंड थोड़ा सा इनमें बाम वाला इफेक्ट है, तो 2 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं टिकेगा। बट हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट, और ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अब तो काफ़ी अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए इंडियन मार्केट ने ही। तो फिर भी आप इसका स्वॉच देख लो कि ये कैसा कलर पे ऑफ देता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, एंड अगेन इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी ये स्टे नहीं करता, इट ओनली स्टेज 2 to 3 hours, उसके बाद ये पूरा उड़ जाता है, लिप्स से तो उड़ ही जाता है, या चीक से भी उड़ जाता है, सब उड़ जाता है इसका। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, सो अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।